वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं आज आप जी के सामने भाई सोमा जी की साखी सुनाने जा रहा हाँ। भाई सोमा जी की उम्र 14 वर्ष थी, उन्होंने पिता जी की मृत्यु हो गई सी। वो बड़े ही गरीब घर तो सन। भाई सोमे की माता जी ने भाई सोमे को कहा, जा सोमिया तू घूमिया बना के वेच आ, ये साडा गुजारा चल जाएगा। भाई सोमे ने कहा, ठीक है माता जी, पर मैं घूमिया बना के किधर वेचन जावा। भाई सोमे की माता जी ने कहा, तू श्री दरबार साहब घूमिया वेचन जा, इधर बहुत लोग आते हैं, तेरी घूमिया बिक जाएगियाँ। भाई सोमा रोज छाबड़ा लाता तो घूमिया बेचता। एक दिन पागा वाला आया जो श्री गुरु रामदास जी उधरों लंघ रहे सन। श्री गुरु रामदास जी ने जब भाई सोमे को वेख्या तो उन्होंने अपना बचपन याद आ गया जब वो घूमिया बेचते सन। गुरु रामदास जी ने भाई सोमे तो वटक मंगी। वटक देना बड़ा औखा सी, पर उसनों गुरु ते पूरा भरोसा सी, तो उन्हें वटक दे दी। जदों घर आके उन्हें पूरी गल अपनी माता जी ने दसी तो उन्होंने माता जी ने कहा, साडा तो जन्म लेखे लग गया, गुरु रामदास जी ने साढ़े तो वटक मंगी। दूजे दिन वह फिर वटक देन गया, गुरु रामदास जी ने लेती। तीजे दिन जदों गुरु रामदास जी उधर नहीं आए तो वह वटक दिन खुद गया। गुरु रामदास जी ने उन्होंने कहा कि तेरी वटक दिन बर दिन घटती क्यों जा रही है। उसने कहा, मैं बहुत गरीब हाँ। गुरु रामदास जी ने कहा, नहीं तू गरीब नहीं, तू तो शाह है। भाई सोमे ने कहा, नहीं जी मैं तो गरीब हाँ। गुरु रामदास जी ने कहा, हूँ तो मैं ये मुँह तो ही सुनागा कि यह शाह है। गुरु रामदास जी ने कहा, वटक देन वाला शाह होंगे या लैन वाला। भाई सोमे ने कहा, जी देन वाला। गुरु रामदास जी ने कहा, असी तेरे तो वटक लीती है, तू सानू दिती है। भाई सोमा ने कहा, जी असी तुहानू दिती है। गुरु रामदास जी ने कहा, तो शाह कौन होया। भाई सोमा कहना, जी शाह असी होए। गुरु रामदास जी ने कहा, भाई सोमा शाह शाह दा शाह बेपरवाह, ऐ वर तेरी आन वालियां कुल्ला तक चलेगा। कुल्ला चुका दी कीमा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।